जी नाज़रीन, आपको बताएं मावने हसूसी मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आप करवाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की सीरियसनेस शो होगी टुवर्ड्स क्लाइमेट के जो इश्यूज है। मैं हमारे सोर्सेज से ये भी मुझे पता चला है कि जो मिनिस्ट्री का स्टाफ है, मिनिस्ट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपके साथ तालमेल नहीं कर रही। क्या आपने ये चीजें की नॉलेज में ले के आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और अगर इसमें कोई लूप होता है तो मैं बड़ी माजरत से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री का तमाम तर स्टाफ, मैं मिनिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ऐसा कतन नहीं है कि यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी होगी और तमाम तर लोग जो हैं इसमें काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जो आपको अगर कोई कहीं से हुआ है तो मुझे नहीं पता कि क्या इसके बारे में, लेकिन इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर मिनिस्ट्री जो है वो काम भी कर रही है और मैं आई थिंक मैं आई माई सेल्फ रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री, सो इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट। मैडम कामरान पाशा, और एक तो मैं कहना चाहूँगा कंग्रेचुलेशन के आप जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, वो भी तोड़ होगा। जैसा कि आपने बताया कि 20 ममालिक की शिरकत होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो क्या हमें नंबर ऑफ फिगर्स पता चल सकते हैं कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में जो है वो कन्फर्म? जी नाज़रीन, आपको बताएं मावने हसूसी मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी।